तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब स्त्रियां तुलसी जी को सींचने जाती। सब लोग तो सींचकर चली जाती, मगर एक बुढ़िया माई तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीमन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें खिलाती हैं पिलाती हैं, फिर भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना यह सब कहकर जाती है, मैं और तो सब दे दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब लोग उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि नहीं उठी। सब कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापिन थी इसलिए किसी से नहीं उठती। भगवान बोले, इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। सबने कहा, तू भी मन की कर ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले लड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया की मुक्ति की, वैसे सबकी मुक्ति करना। बोलो तुलसी माता की जय।